हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बारिश के इस हरे भरे मौसम में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट दानेदार एकदम नई मिठाई, जो आपने इससे पहले ना कभी बनाई होगी ना खाई होगी। इतना लाजवाब स्वाद कि जो मुंह में घुल जाए। मैं बनाने जा रही हूँ हलवाई स्टाइल दानेदार लौकी की मिल्क केक। खास बात, ना आपको चाशनी बनानी है, ना मावा, ना कंडेंस मिल्क, ना मिल्क पाउडर, ना नारियल। तो चलिए शुरू करते हैं। नई स्टाइल की लौकी की मिल्क केक बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है 3 लौकी। वजन से बोलूं तो लगभग 1 किलो के करीब मैंने ये लौकी ली है। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे जरूरी पॉइंट, हमें जो लौकी लेनी है वो हमें पतली लेनी है और एकदम हरी भरी ताजी लेनी है, फ्रेश लौकी लेनी है। लौकी को आप अच्छी तरीके से धो लें और धो करके सबसे पहले हम इसका छिलका उतार लेंगे। इस मौसम में बहुत ही बढ़िया लौकी आ रही है और सस्ती भी है। मिठाई जिस तरीके से आज मैं आपको बता रही हूँ एकदम 100% परफेक्ट बनेगी और इतनी टेस्टी और आसान कि आप इसे कई बार बनाना चाहेंगे। तो सभी लौकी को हम छील लेंगे। इस तरह से लौकी को छील करके ये वाला जो हिस्सा है इसको हम अलग कर देंगे और यहाँ से इसको अलग करेंगे और बीच में से हम लौकी को इस तरह से 2 भाग में डिवाइड करेंगे और अब आप यहाँ से कट कर लीजिए। परफेक्ट। अब ये जो पोर्शन में आप ये बीज देख रहे हैं ना, इसको हम अलग निकाल लेंगे। हालांकि इसमें बीज बिल्कुल है नहीं क्योंकि हमने बिल्कुल ताजी पतली लौकी ली है। ये लीजिए, तो बस इस तरह से आप ये जो बीच वाला सीट का पोर्शन है ना, इसे आप अलग कर लें और इसको हम डाल देंगे पानी में, जिससे कि ये काली ना पड़े। और इसी तरह सभी के हम ये बीज वाला पोर्शन हटा देंगे और पानी में डाल देंगे। अब आप लीजिए एक कद्दूकस इस तरीके का ग्रेटर ले लीजिए और जो मीडियम वाला होल होते हैं ना उसमें हमें करना है, ज्यादा बड़े वाले में नहीं। अब एक हिस्सा लीजिए और इस तरह से हम इसे कद्दूकस करते जाएंगे। फटाफट फटाफट बहुत जल्दी हो जाएंगी। आज ये जो मिठाई मैं आपको बता रही हूँ इसके लिए ना तो आपको कोई भी मिल्क पाउडर की जरूरत है, ना किसी नारियल की और ना ही किसी कंडेंस मिल्क की। बिल्कुल इस तरह से हम सारी लौकी कद्दूकस कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने सारी लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अगर वजन से बोलूं अब ये लगभग 1/2 किलो यानी 500 ग्राम के करीब लौकी कद्दूकस करी हुई हमें मिल गई है। अब आप ले एक छलनी और छलनी पर हम इस तरह से लौकी को निचोड़ते हुए थोड़ा थोड़ा पानी उसका निकाल देंगे, क्योंकि जो लौकी में पानी होता है ना उसमें हल्की कड़वाहट होती है, तो मिठाई का टेस्ट ना खराब हो इसके लिए जरूरी है। दूसरा, पानी रहेगा तो मिठाई बनाने में लंबा समय लग जाएगा। और ये सब काम हम बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि लौकी छिलने के बाद बहुत जल्दी काली पड़ने लगती है यानी ऑक्सीडेशन होने लगता है। और ये देखिए, इस तरह से लौकी हमारी तैयार है लौकी की मिल्क केक बनाने के लिए। अब आप गैस पर चढ़ाएं एक कढ़ाई और कढ़ाई में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। मिठाइयां घी वगैरह में ज्यादा स्वादिष्ट बनती हैं, ऐसे आप ऑयल, वनस्पति घी कुछ भी ले सकते हैं। और घी के पिघलते ही इसमें हम डाल देंगे हमारी कद्दूकस की हुई लौकी और लौकी को घी के साथ लो मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक इस तरह चलाते हुए बढ़िया से भून लें। इससे जो मिठाई है उसमें स्वाद बहुत अच्छा आएगा और लौकी में जो भी पानी होगा वो सारा सूख जाएगा और लौकी बहुत ही जल्दी सॉफ्ट और नरम पड़ने लगेगी। और इस तरह से लौकी को 2 मिनट भूनने के बाद अब हम लौकी को ढक देंगे और लगभग 3 से 4 मिनट इसको इसी तरह पकने देंगे लो फ्लेम पर। अब आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार, यहाँ मैं ले रही हूँ सिंपल 1 गिलास दूध। उबला हुआ दूध है, रूम टेम्परेचर पर है, न गर्म न ठंडा। अगर मैं वेट से बोलूं तो लगभग 250-260 ml के करीब मैंने दूध लिया है। अब आप इसमें डालिए 1/2 कप चीनी, लगभग 6 बड़े चम्मच के करीब मैंने चीनी ली है। चीनी आप कम या ज्यादा अपने स्वाद के अनुसार वेरिएशन कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच काजू। काजू बिल्कुल ऑप्शनल है, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं इस मिल्क केक में। आपके पास हो तो डाल लीजिएगा, अगर नहीं पसंद हो तो ना डालिए। अब जाएगा नेक्स्ट सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो आज हमारी लौकी मिल्क केक को बनाएगा एकदम दानेदार और बड़ा ही इंस्टेंट तरीका। ये मैंने लिया है 200 ग्राम ताजा पनीर, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये जो सिंपल पैकेट आते हैं मार्केट के आप वो भी ले सकते हैं, वरना घर में दूध फाड़कर छेना बनाकर छेना भी यूज कर सकते हैं। और बस अब सभी चीजें इस तरह ग्राइंडिंग जार में डालकर बढ़िया से हम इसको पीस लेंगे। और ये लीजिए, मैंने सभी चीजों को बढ़िया से ब्लेंड कर लिया है। बहुत ज्यादा मिक्सी को नहीं चलाना है, बस थोड़ा सा रुक रुक कर। ये देखिए, लग रहा है जैसे मावा पीस दिया हो। बेहतरीन। अब जो मिठाई में टेस्ट आएगा मैं आपको बता नहीं सकती, इतना माइंड ब्लोइंग के मजा आ जाएगा। तो इसे रख देते हैं अलग, चेक करते हैं लौकी को। लिड पर ऊपर पानी होता है तो आप धीरे से उठाएं। परफेक्ट। आप देख सकते हैं पहले से लौकी की मात्रा कम लग रही है, यानी ये लौकी श्रिंक हो गई है पक करके। लौकी पहले से नरम और सॉफ्ट है, ये देखिए, और अब इसमें पानी भी नहीं है। बिल्कुल बढ़िया। और अब हम इसमें मिक्स बनाया ना सारा, आप इसको लो फ्लेम पर डाल दीजिए।
अब ना आपको किसी कंडेंस मिल्क की जरूरत है, ना नारियल के बुरादे की, ना मिल्क पाउडर की, और ना ही चाशनी की और ना मावा की। और लौकी को अब दूध और पनीर के मिक्स के साथ बढ़िया से पकने देंगे, जिससे लौकी और भी सॉफ्ट हो जाएगी और इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल बदल जाएगा। एकदम बेहतरीन मिल्क केक तैयार होगी। बहुत ही जल्दी आप देखेंगे जो लौकी है वो पूरा पनीर और दूध के मिक्स को अब्सॉर्ब कर लेगी और इसमें बहुत ही रसीला सा टेक्सचर आ जाएगा। तो जब तक हमारी मिल्क केक बन रही है, फटाफट देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। मिल्क केक को परफेक्ट जमाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है, ये केक वाला टिन होता है ना, तो बस मैंने वही ले लिया है। तो मुझे गोल शेप का मैंने लिया है। आप किसी भी बर्तन में, स्टील की प्लेट में, कटोरे में, थाली में, बॉक्स में, किसी में भी मिल्क केक को जमा सकते हैं। अब कुछ बूंद हम इसमें डालेंगे ऑयल की, और ऑयल डालकर ना इस तरह अच्छी तरीके से इसे ग्रीस कर लेंगे। और अब इस पर मैं लगा रही हूँ एक बटर पेपर, यानी पार्चमेंट पेपर। आपके पास हो तो लगा लीजिएगा, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, ये हमने ग्रीस किया है ना, डायरेक्ट इसमें भी आप बना सकते हैं। बटर पेपर लगाने से निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। कुछ बूंद ऑयल की इस पर भी हम डाल देंगे, या घी की, और इसे ग्रीस कर लेंगे। तो ये हो गया सेट, इसे रख देते हैं अलग। और अब ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से लौकी ने पनीर और दूध वाले मिक्स को अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं पहले से काफी थिक हो गई है। अब इसमें हलवाई जैसी लुकिंग आए, मिल्क केक एकदम जबरदस्त लगे बाजार जैसी, तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर। तो मेरे पास ये लिक्विड वाला फूड कलर है, तो मैं ये यूज कर रही हूँ। आपके पास अगर सूखा वाला हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो कुछ बूंद डाल देंगे ग्रीन फूड कलर की और इसे बढ़िया से करेंगे मिक्स। अब क्या हुआ कि जो हमने दूध, पनीर, चीनी, काजू एक साथ मिक्स किया, सारे फ्लेवर मर्ज हो गए। आपको अलग से घोटने की या बार बार उसको चम्मच से दबा दबा कर मिक्स करने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही स्वादिष्ट। और आप देख सकते हैं इस तरह से पकाते हुए पूरा ही दूध पनीर का मिक्स लौकी ने अब्सॉर्ब कर लिया है, और कितना सुंदर टेक्स्चर और कलर आया है। एकदम लच्छेदार हमारी जबरदस्त मिल्क केक तैयार होगी। थोड़ा सा बस और पकाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कैसे ये देखिए कढ़ाई छोड़ रहा है, यानी जब मैं इसको घुमा रही हूँ तो साथ साथ घूम रहा है। और इसी स्टेज पर फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए, और अच्छी तरीके से कर दीजिए मिक्स। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से हमारा मिल्क केक तैयार है। आप देख सकते हैं किस तरह से कढ़ाई भी छोड़ रहा है, और देखिए घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। बिल्कुल इस स्टेज तक आपको पकाना है, परफेक्ट बन जाएगा एक ही बार में। तो बस इस स्टेज पर इससे ज्यादा हम इसको बिल्कुल नहीं पकाएंगे, क्योंकि ठंडा होके भी और थिक हो जाएगा। तो बस गैस को ऑफ करेंगे और पूरे मिल्क केक के मिक्स को हम टिन में पलट लेंगे। बिल्कुल लच्छेदार। और ये लीजिए मैंने बिल्कुल बढ़िया से इसको सेट कर लिया। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। सेट होने के बाद तो ये और भी बेहतरीन लगेगी हमारी मिल्क केक। कोई विश्वास नहीं करेगा कि लौकी की भी मिल्क केक बनाई जा सकती है, वो भी इतने स्वाद के साथ। अब इसको आप सेट होने दें लगभग एक घंटे के लिए, या तो प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ दें, लेकिन अभी गर्मी बहुत है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, बहुत ही जल्दी ये सेट हो जाएगी। और ये देखिए हमारी बहुत ही बढ़िया लौकी की मिल्क केक बिल्कुल सेट हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं परफेक्ट, सब तरफ से एकदम परफेक्ट लच्छेदार हलवाई स्टाइल हमारी लौकी की मिल्क केक। चाहे तो आप इसे लौकी का कलाकंद भी बोल सकते हैं। और मैंने इसको ट्रांसफर कर लिया है एक प्लेट पर, और बस इसको थोड़ा सा हलवाई की तरह सजा लेते हैं। तो मैं इसको गार्निश कर रही हूँ चांदी के वर्क से। बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप चांदी का वर्क लगा सकते हैं, वरना आप इसके बिना सिंपल ड्राई फ्रूट से, नारियल के बुरादे से, प्लेन भी रख सकते हैं। जैसे चाहे आप वैसे इसको गार्निश कर सकते हैं। चांदी का वर्क ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। परफेक्ट, आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया दिख रही है ना हमारी मिल्क केक। और बस थोड़ा सा साइड से इसको गार्निश कर दे रही हूँ बारीक कटे पिस्ता से। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार अपनी मिठाई को गार्निश कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसको गार्निश कर रही हूँ बारीक कटे हुए बादाम से। अब देखिए इसकी कितनी सुंदर लुकिंग आ रही है। और ये लौकी की मिल्क केक की रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम है। मेरे घर में इसको बनाया जाता है और सबको बहुत ही पसंद होती है, तो आप इसे जरूर ट्राई करें, मस्ट ट्राई है। तो चलिए कर लेते हैं कट। ये देखिए आप मेरे काटने से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी परफेक्ट बनी है, सुपर। इधर से भी इसी तरह कट कर लेंगे, और इसी तरह मैं इसको यहां से कट कर रही हूं, तो इसकी लुकिंग ना बहुत ही प्यारी आएगी। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी यूनिक स्टाइल की लच्छेदार, दानेदार, मजेदार हलवाई स्टाइल लौकी की मिल्क केक। सुपर, आप देख सकते हैं लच्छेदार और एकदम परफेक्ट जबरदस्त टेस्टी हमारी लौकी की मिल्क केक तैयार हुई है।
लुकिंग से ही आप समझ सकते हैं कि ये कितनी स्वादिष्ट बनी होगी और इस तरह बना करके आप इसे फ्रिज में पूरे एक हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। बाहर भी रखेंगे तो 3 दिन चल जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये स्पेशल और यूनिक स्टाइल की लौकी की मिल्केक आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें और सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।